कुरान पाक ला करके जुनैद बगदादी के सामने रखा और जुनैद क्या ये मेरे नबी की तस्वीर नहीं है? आंखें देखना हो तो पढ़ो मा जागल बसर हुआ मा तगा, चेहरा देखना हो तो पढ़ो वा दुहा वल लैल इदा सजा, हाथ देखना हो तो पढ़ो वा मा रमैत इद रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, अगर कदम देखना हो तो पढ़ो ला उक्सिमु बिहादल बलद वा अंत हिलुम बिहादल बलद, अगर सीना देखना हो तो पढ़ो अलम नशरह लक सदर तो वदअना अनक विज्र, अगर इस नबी की गुफ्तार देखना हो पढ़ो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, इस महबूब की अताएं देखना हो तो पढ़ो इन्ना आताइना कल का, अगर पढ़ना है तो कंजुल ईमान से पढ़ा करो, जहां बरेली का इमाम ये भी बताएगा कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को ये नहीं कहेगा मेरा नबी मेरे जैसा था या उसका इल्म ऐसा था वैसा था, बल्कि बरेली का इमाम बताएगा कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को यू कहेगा सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सहबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हमारा शिवा है पूरी दुनिया में कि सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक की गुलाम कौम ऐसी है जो एक मिनट में पूरा सन्नाटा तारी कर सकती है। किसी ने एक साहब से पूछा था वेल ट्रेन्ड फौज जो होती है चाहे वो अमेरिका की हो कि रशिया की हो कि जापान की हो चाइना की हो, उनसे पूछा गया कि अगर 10,000 फौज को सफों में खड़ा करना हो और उनको रेडी करना हो तो आपको कितना टाइम लगेगा? किसी के बारे में कहा कि अमेरिकी फौज के लिए हमें 4 घंटे लग जाएंगे हम तरतीब दे देंगे, रशियन फौज के लिए 3 घंटे लग जाएंगे, चाइनीज और एक्टिव हैं 2 घंटे में अपनी थपे तरतीब कर लेंगे। उस मुसलमान दानिश्वर ने कहा अल्लाह का करोड़ों एहसान है 1,00,000 से ज्यादा का मजमा होता है हरम काबा में भी और हरम रसूल में भी, इमाम सिर्फ 1 मिनट में कहता है सफे दुरुस्त कर लो, किसी को डंडा मारने की जरूरत नहीं सबकी सफे खुद दुरुस्त होती है। ये कौम है जो अपनी सफे खुद दुरुस्त करती है, मस्जिदों में जुमा में ईदगाह में जाकर कोई लकड़ी लेकर नहीं फिरता कि अपनी अपनी सफे दुरुस्त कर लो, हर एक को इतना शऊर है कि अपनी सफे कैसे दुरुस्त की जाती है। जब आपको अल्लाह ताला ने ये नियामत अता की है मस्जिदों में सफे दुरुस्त कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, ईदगाह में 1 मिनट में हमारी सब दुरुस्त हो सकती है, ऐ नौजवानों दुनिया को ये बताओ सिर्फ मस्जिद और ईदगाह नहीं दुनिया के हर मैदान में हम अपनी सफे दुरुस्त कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, हर मैदान में हमारी सब दुरुस्त हो सकती है, ये अल्लाह की तरफ से दी हुई बहुत बड़ी नियामत है। बस अब मजमा जो खामोश है और मुतवज्जे है, अब मेरी बात को आगे मैं बढ़ाता हूं, तवज्जो से सुने। कुरानी उलूम के मुतालिक आपके सामने चंद बातें रखूंगा, इसलिए कि मुझे कहा गया बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है और मुसलमान के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत लाजिम है, इसलिए कि जिहालत इस्लाम का अपोजिट है, जिहालत इस्लाम का अपोजिट है। आपको एक बात मैं बताऊं, जब भी कहा जाता है दौरे इस्लाम यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद के हालात को दौरे इस्लाम कहते हैं, उससे पहले वाले जमाने को दौरे जिहालत कहते हैं, जबकि इस्लाम का अपोजिट तो कुफ्र होना चाहिए, कुफ्र होना चाहिए। ये दौरे इस्लाम है और इससे पहले दौरे कुफ्र था, नहीं दौरे इस्लाम से पहले वाले दौर को दौरे जिहालत कहते हैं, इसलिए कि बताना है इस्लाम और जिहालत दो अपोजिट चीजें हैं, दो अपोजिट चीजें हैं। जाहिल हो और मुसलमान हो उसे जेब नहीं देता, जिस कौम पर आने वाली किताब हिदायत का पहला लफ्ज इकरा से शुरू होता है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, कुरान का पहला लफ्ज जो आया है वो किस नाम से आया? पढ़ो अपने रब के नाम से, पढ़ो अपने रब के नाम से, और इल्म नहीं है तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास। इमाम गजाली तो फरमाते अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल उलमा, ये सारे इंसान मुर्दा हैं, जिंदा अगर कोई है तो इल्म वाला है, इल्म वाला जिंदा है।
और जहालत की तारीकियों में भटकने वाले की मिसाल ऐसी ही है जैसे अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ है, कहीं रोशनी का आने का इंतजाम नहीं। उसके सामने हलवा रखो कि गोबर रखो, दोनों बराबर है। जाहिल आदमी के लिए ऐसा ही है, कभी उसका हाथ इसमें पड़ेगा, कभी उसका हाथ इसमें पड़ेगा। जब नजर नहीं आ रहा है तो हलवा को गोबर समझकर खा लेगा और कभी गोबर को हलवा समझ के खा लेगा, गलाजत उसके लिए बराबर हो जाएगी। लेकिन इल्म को कहा गया अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। जिसके पास इल्म आता है वो तमीज सीख जाता है, उसके पास अखलाक आ जाते हैं, वो हलाल और हराम के फर्क को समझने लगता है, बुरे और अच्छे के दरमियान फर्क मालूम होने लगता है। इसीलिए मेरे अजीजों, मुझे बड़ा गर्व है और फख्र है, हमारी ही खानकाह से यह आवाज आती है, आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। बेशक। क्यों? बेशक। उस अजीम खानकाह से यह आवाज दी गई क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम बड़े होकर के डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। लोगों की नजर में अब बात यही रह गई, पढ़ा इसलिए जाता है कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है और कमाना है, बहुत कमाना है। इल्म जो है आज कमर्शियल बना लिया गया। इल्म इसलिए नहीं, इल्म इसलिए हासिल किया जाता है कि बंदा खुदा को पहचाने, बंदा अपनी हकीकत को पहचाने, जिंदगी गुजारने के उसलूब उसे मालूम हो जाए। इल्म इसलिए सिखाया जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ नौकरी के लिए समझते हैं कि इल्म हासिल करना चाहिए, नौकरी के लिए नहीं, अपने अखलाक को बुलंद करने के लिए इल्म आना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, कुरान अजीम वो हिदायत की किताब तुम्हारे पास आई इस कौम के लिए अलमिया नहीं है तो और क्या है? जो किताब उलूम का जखीरा है, आज दुनिया उस किताब पर रिसर्च कर करके नए इल्म और फनून हासिल कर रही है। उस किताब को तो हम मुर्दों पर पढ़ने के लिए रखे हैं। वो कुरान अजीम जो हिदायत की किताब और सारे उलूम का सर चश्मा है, उस किताब को कहां पढ़ते हैं? मैयतों पर। किसी का इंतकाल हो गया तो तीजे में पढ़ेंगे, चहलुम में पढ़ेंगे, नवे में, बीसवें में पढ़ेंगे। वही साले सवाब के लिए सिर्फ रखा गया और उससे थोड़ा आगे बढ़ गए तो कसम खाने के लिए कुरान। आओ चलो हम कसम खाते कुरान पे हाथ रख करके, कुरान पे हाथ रख के। मियां, क्या कुरान कसम खाने की किताब है? कुरान की वो आयत मैंने सबसे पहले पढ़ी, अल्लाह फरमाता ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, और ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। और कुरान में तीन जगह ये लफ्ज आया है, हुदल लिन्नास, हुदल लिल्मुमिनी, हुदल लिल्मुत्तकीन। ये सारे इंसानों के लिए भी हिदायत है, ये सारे ईमान वालों के लिए भी हिदायत है और परहेजगारों के लिए भी हिदायत है। सब हिदायत अलग अलग अंदाज से हासिल करते हैं। बारिश एक ही है बरसने वाली, जमीनें अलग अलग हैं। बहुत नरम जमीन हो तो वो जमीन बारिश से फायदा ज्यादा उठाती है, और थोड़ी सी ओबड़ खाबड़ जमीन हो तो वहां से फायदा कम आता है। बारिश एक ही है, कुरान बारिश हिदायत है। जिसके दिल की जमीन जितनी नरम होगी उतना वो उससे हिदायत उठाएगा, सुभान अल्लाह, बेशक, उतना उससे फायदा उठाएगा। और आज हालात ये हैं, ऐ नौजवानों अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, कुरान कितने लोगों ने पढ़ा है? कुरान कितने लोगों ने पढ़ा? मैं हाथ नहीं उठवाता किसी भी बात पर, हाथ मत उठाया करो, ना ही झूठे हाथ उठाना है, ना सच्चे हाथ उठाना है, ना ही किसी और को शर्मिंदा करना है। अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, कुरान कितनी मर्तबा पढ़ लिया? क्योंकि कुरान पाक, बहुत सारे लोग ये समझते हैं मदरसे में बचपन में एक बार पढ़ लिया तो उसका हदिया हो गया, खत्म हो गया है, अब इसके बाद फिर हमारी मैयत पे ही पढ़ा जाएगा। इसलिए तो कुरान के उलूम से नावाकिफ हो गए। अरे समझना तो दूर की बात, देख करके पढ़ना भी मुश्किल है। आज लोगों का देख कर पढ़ना मुश्किल हो गया कुरान। तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें नहीं है, बहुत सारे ग्रंथ नहीं, बहुत सारे वेद नहीं है जिनका शुमार ही नहीं है। तुम्हारे पास ओनली वन एक किताब, कुरान पाक, ऐसी महफूज किताब जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है सूरह कमर में, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बनाया है, है कोई याद करने वाला? चार बार यह आयत अल्लाह ताला फरमाता है कोई याद करने वाला?
अल्लाह जब फरमा रहा है कुरान आसान है तो कौन कहता है ये मुश्किल है। हमने खुद अपने हाथों तबाही को दावत दी है। दरसे कुरान को अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता, वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए हैं तारीख कुरान होकर। आज हम छोड़े बैठे हुए हैं कुरान अजीम को, छोड़कर बैठना कितनी बड़ी गुमराही है। आज हालात ऐसे आ गए कि कुरान को बदलने की बातें होने लग गई। क्यों? तुम उठाते ही नहीं। 26 आयतें निकाल दो, 25 आयतें निकाल दो, इसमें ये बातें उसमें वो बातें हैं, मुसलमान को तो पता भी नहीं है कौन सी आयतों के बारे में ये वावेला मचाया जा रहा है। अरे तुम पढ़ो, तुम्हारे लिए कुरान आया है। ये जितनी भी कॉन्फ्रेंसें हैं, मैं समझता हूं इसके बदले हर जगह सुबह और शाम कुरान पढ़ने और पढ़ाने का इंतजाम हो जाए, इस तरह के हजारों जलसों से वो अफजल है। बेशक ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। बेशक बेशक सबसे बेहतरीन आदमी वो है कुरान को सीखे और दूसरे को सिखाए। आज नौजवानों के अंदर एक बड़ी तादाद मुझे देखने को मिलती है, उनको छोटी छोटी सूरतें भी नहीं मालूम, कुरान देख करके पढ़ना भी नहीं आता। बचपन में हमारे माँ बाप ने हमको सीने से लगा करके कुरान मदरसा भेजने की आदत डाली थी, और जब स्कूल जाते थे तो बस्ता पीछे लगा के जाते थे। पता होगा स्कूल जाते हैं तो बस्ता पीछे रख के जाते हैं, और कुरान पढ़ने के लिए जाते हैं तो सीने से लगा के जाते हैं। ये हमेशा से एक रीत रिवाज चला बुजुर्गों का डाला हुआ कि बेटा कुरान हमेशा आगे होगा। लेकिन शऊर आने के बाद तुमने कुरान को पीछे डाल दिया, पीछे को आगे कर दिया। कोई इल्म ऐसा नहीं जो कुरान में मौजूद नहीं, कोई इल्म ऐसा नहीं। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, मेरा मौला फरमाता है कोई खुश्की और तरी की बात ऐसी नहीं जो हमने कुरान में ना बयान की। वनज़लना अलैकल कुरान तिबयानन लिकुल्ली शय, रब फरमाता है हमने कुरान में हर चीज का वाज़ह बयान उतारा है तुम पर। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुफस्सिरीन के सरदार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं लौ ज़ा अली अक़ाल बईर लवजदतुहु फी किताबिल्लाह, कहते हैं अगर मेरे ऊंट की नकील की रस्सी भी गुम हो जाए मैं उसको किताबुल्लाह कुरान में ढूंढ लूंगा। क्या बात, वाह 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 वाह, मैं उसको कुरान में ढूंढ लूंगा। उनके पास उलूम कुरान थे, और आप क्या समझते हैं कुरान में क्या नहीं है? साइंस की वो इजादात को अगर आप लेकर के बैठे, मैंने अपना पूरा बयान रिकॉर्ड किया है 2 साल कबल ही, यहाँ वक्त की किल्लत है, मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। 16वीं सदी के बाद या 18वीं सदी के बाद साइंस की तरक्कियात ने अपना पैर जमाना शुरू किया है इस रुए जमीन पर, जबकि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान अक्दस से निकले हुए कलमात जो कुरान में मौजूद हैं, उठाओ और मैं बताता हूँ हर चीज का इल्म कुरान में मौजूद है। जब कोई सोनोग्राफी का इंतजाम नहीं था, ना सिटी स्कैन हो सकता था, ना एक्सरे का कोई इल्म किसी के पास था, उस वक्त कुरान कह रहा है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। क्या बात, एम्ब्रियोलॉजी क्या है? बच्चा पैदा होने की जो उसके नशो नुमा की जो मुद्दत होती है, किस तरह पेट में बच्चे की तखलीक होती है, कुरान में मौला फरमाता है ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين। मौला फरमाता है हमने नुतफे से अलका बनाया। नुतफा क्या है? स्पर्म का वो एक कतरा जो मर्द के जरिए से औरत के रहम में जाता है, उसके बच्चे की थैली में जाता है, एक नुतफा एक बूंद, जिसको नुतफा कहा गया है। मौला फरमाता है हमने नुतफे से अलका बनाया। अलका किसको कहते हैं? साइंस में पढ़ने वाले अगर स्टूडेंट्स हो तो समझ जाएंगे, अगर कोई मेडिकल साइंस का कोई स्टूडेंट है तो उसे मालूम होना चाहिए। एम्ब्रियोलॉजी में चिपचिपा हुआ च्युइंगम जो होता है उसको अलका कहते हैं अरबी में। और आज साइंस ये कहती है
कि पहले बाप के नुतफे के एक कतरे से एक छोटा सा खून का टुकड़ा बनता है जो चिपचिपा होता है, फिर उसके बाद एक गोश्त का टुकड़ा होता है, फिर उसके बाद उसमें हड्डियां बनती हैं, फिर उसके बाद उस पर चमड़ियां आती हैं, फिर उसके बाद उसकी आंखें सारी चीजें बन जाती हैं। ये प्रोसेस है 9 महीने माँ के पेट में, और हर एक के वीक्स गिने हुए हैं। फर्स्ट वीक में क्या होता है, सेकंड वीक में क्या होता है, थर्ड वीक में क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी का पूरा इल्म है। साइंस आज 21वीं सदी में इस एम्ब्रियोलॉजी को तुम्हारे सामने ला रही है। अरबों के उस दौर की बात कर रहा हूं जहां लोगों को घर बनाने का इल्म नहीं था, और कुरान मां के पेट में पैदा होने वाले बच्चे की तखलीकात बयान कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैदान कुरान मुकद्दस, फैदान शेखुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मशहूर साइंसदान है फ्रैंक प्रेस नाम से, जिसने ये थ्योरी दुनिया को बताई कि अर्दियात जमीन के अंदर जो वसात हो रही है, और उसके बाद उसने कहा था, फ्रैंक प्रेस नाम का अंग्रेज मौरनिख और अंग्रेज साइंसदान कहता है जमीन जो है पानी के ऊपर है, और ऐसे ही पानी के ऊपर कोई चादर बिछा दी जाए तो कभी चादर इधर हो सकती है, कभी उधर हो सकती है। इस चादर को मजबूत रखने के लिए इस पर पहाड़ों का होना बहुत जरूरी है। ये 19वीं सदी में फ्रैंक प्रेस कह रहा है, और मेरा मौला कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है, वल जिबाल औतादा, हमने पहाड़ों को मेख बना करके जमीन पर गाड़ा। क्या बात, वाह वाह, बेशक ये जमीन को हिलने नहीं देते पहाड़। अर्दियात का इल्म, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुरान में मौजूद उलूम आप पढ़ो, जूलॉजी के बारे में, जानवरों के उलूम के बारे में कुरान में पढ़ो। रब ताला परिंदों के उन अशकाल के बारे में बयान फरमा रहा है, ये झुंड के झुंड जाते हैं, जमात की जमात होती हैं। चींटियों के बारे में पूरी सूरह मौजूद है, इनके खाना तकसीम करने का तरीका क्या है, इनके एक दूसरे को पुकारने का तरीका क्या है, इनमें जब एक चींटी मर जाती है तो उसको दफनाने का तरीका क्या है। ये कौन बयान कर रहा है, ये कुरान बयान कर रहा है, कुरान पाक बयान कर रहा है। जब तरक्कियात इस कदर आगे आ गई कि मशीनों के सहारे से आज जर्रे को देखा जाता है, परखा जाता है, और फिर दुनिया को बताया जाता है ये हमारी तहकीक है, और कुरान उस जमाने में बयान कर रहा है। मेरे अजीजो एक बात बताता हूं, 18वें पारे में सूरह नूर में एक आयत आई है, उस आयत के बारे में मैं बताता हूं बाद में। लेकिन 18वीं सदी में एक साइंसदान जो अमेरिका की सफर पर था, उसने एटलांटिक ओशियन में एक जगह ऐसी देखी जहां पर इतना अंधेरा है कि हाथ निकालो तो भी नजर नहीं आए, सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती। वापस आकर के उसने कहा मैंने एक ऐसी जगह दरियाफ्त की है जहां सूरज की रोशनी ही नहीं पड़ती और अपनी आंखों को कुछ नजर नहीं आता, अगर हाथ निकाल करके देखो। समंदर के बीचों बीच एटलांटिक ओशियन कोई तालाब का नाम नहीं है, ये लंबा सफर तय करके कोई एक जगह को ढूंढ लिया एक साइंसदान, और आकर के दुनिया को बता रहा है मैंने एक ऐसी जगह मालूम की जहां पर खूब अंधेरा होता है, हाथ भी नजर नहीं आता। जब वो आकर के बताता है, एक आलिम रब्बानी ने कुरान की आयत पढ़ी, मौला कुरान में फरमाता है, इदा अखरज यदहु लम यकद यराहा वमन लम यजअलिल्लाहु लहु नूरन फमा लहु मिन नूर। कुरान में अल्लाह फरमाता, ज़ुलुमातुम बादुहा फौक बाद, एक जगह हमने ऐसी बनाई है जहां अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, जहां हाथ भी निकालोगे तो हाथ नजर नहीं आएगा। कुरान में 1400 साल पहले ये जब बात आई, उस साइंसदान को बताया गया, ये तो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। अब और ताज्जुब की बात क्या है, सुनो। वो आया साइंटिस्ट, कहा ये किसकी बयान की हुई किताब है, कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह की, मक्का में पैदा हुए, मदीने में जिंदगी गुजारी, आकीद दी की। उसने कहा मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, हो सकता है वो समंदरों के बहुत बड़े माहिर थे, वो समंदरी उलूम के बारे में बहुत कुछ जानते थे, उन्होंने जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा समंदरों के सफर में गुजारा होगा, उस जमाने में उनको एटलांटिक ओशियन में मौजूद ये अंधेरा कैसे पता चला। ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है। जब उस साइंसदान से कहा गया, ए अजीज, हकीकी बात तो यह है कि पूरी 63 साल जिंदगी में मेरे आका एक बार भी समंदर के पास नहीं गए,
एक बार भी इत्तेफाक नहीं हुआ। तब वो कहता है जो बंदा कभी समंदर के सफर पर गया ही नहीं और वो एटलांटिक ओशियन में मौजूद अंधेरियों की बात करता है तो फिर ये अपने पेट से नहीं ये अल्लाह की बात कर रहा। क्या बात, बेशक बेशक ये खालिक समंदर की बात कर रहा बेशक जिसने वो अंधेरियां पैदा की। मेरे अजीजों आपसे मेरा खिताब इसलिए है कि जो जखीरे अल्लाह ताला ने हमारी किताब मुकद्दस में रखे हैं इसको हल करते करते लोगों के बाल सफेद हो गए। और तुम तो अखलाक सीखने के लिए ऐसे लोगों के पास जाते हो जिनको पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम। क्या बात, बेशक कुरान के उलूम क्या कम है तुम्हारे पास। अब मैं आता हूं, ये तो साइंसी बातें हो गई, मैथमेटिक्स तो पूरा कुरान में इतना है बयान करते करते मैं सुबह कर डालू। कुरान पाक के अददी एजाजात, कुरान पाक के हिसाब, रियाजी, मैथमेटिक्स के फंडे, बहुत कुछ है। फिजिक्स के बारे में है, ज्योग्राफी के बारे में है, अलजिब्रा के बारे में है, साइंस के बारे में है। ये तमाम उलूम तो एक मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन अफसोस मैं उस कौम से बात कर रहा हूँ जिस कौम ने कुरान को छूना भी बंद कर दिया है। जा करके देखें, आज ही जा करके देखें घरों के अंदर, तुम्हारे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन तो धूल से साफ होंगे, रोजाना साफ करते होंगे। कुरान को हफ्ते हो गए कभी छुआ भी नहीं, गर्द जमी हुई, धूल लगी हुई है। कुरान के साथ ये नाइंसाफी बंद कर दो, कुरान के साथ ये दोहरा मेयार बंद करो। आपको पता है कयामत के दिन मेरे आका फरमाते हैं जो दो चीजें जिसकी हिमायत में आ गई उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकेगा, और दो चीजें जिसके खिलाफ खड़ी हो गई फिर उसको दोजख में जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। हुजूर से पूछा गया वो दो चीजें क्या हैं, हुजूर फरमाते हैं जिसकी हिमायत में रमजान और कुरान खड़े हो गए उसका जन्नत में जाना तय हो जाता है, वाह वाह, और जिसके खिलाफ खड़े हो गए रमजान और कुरान हुजूर फरमाते हैं फिर उसका दोजख में जाना तय हो जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल दानाए गुयूब कायनात के सरदार मेरे आका दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा जालिल कुरान हुज्जतन लना ला हुज्जतन अलैना, ये मेरे नबी की दुआ है। आप तवज्जो करें हुजूर जब ये दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह कुरान को कयामत के दिन मेरा हिमायती बना, मेरे खिलाफ ना बना। क्या बात, वाह, साहिब कुरान खुद कह रहे हैं कयामत के दिन इसको हमारे खिलाफ ना खड़ा कर, कुरान को हमारा हिमायती बना। ऐ लोगों हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं आज, बहुत दूर हम आ चुके हैं, बहुत दूर हम आ चुके हैं। आज कुरान की तालीम को भी इतना सस्ता समझा जाता है, इतना सस्ता कि आपके पास अगर बच्चे के पास टाइम हुआ तो मदरसा भेजो, नहीं तो छोड़ो जाएंगे। मदरसों में आने वाले वो बच्चे जिनकी नाक बह रही हो, कपड़े ढंग के ना हो, कारी साहब और हाफिज साहब खुद ही उसको साफ भी करें, खुद ही पढ़ा करके भी भेजे। क्या तुम अपने वक्त की मशहूर कॉन्वेंट स्कूल में भी इसी तरह अपने बच्चों को भेजते हो, वहां पर गैर हाजिरी से कितना डरते हो, अपनी छुट्टियां तर्क कर देते हो, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर देते हो, नहीं बच्चे की स्कूल छूट सकती है, लेकिन कुरान के साथ कैसा दोहरा सलूक है, कुरान के साथ कैसा मेयार है। आपको मैं बताता हूँ, इमाम हमारे सिराजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला ने अपने बेटे को जिस कारी कुरान के पास पढ़ने के लिए भेजा करते थे, कारी साहब ने इमाम आजम के बच्चे को पूरा कुरान पढ़ा दिया। नाजरा कुरान की बात कर रहा हूं, जब पूरा कुरान बच्चे ने पढ़ लिया तो इमाम आजम अबू हनीफा को ये मुबारकबादी दी गई कि आपका बच्चा पूरा कुरान पढ़ चुका है हाफिज साहब के पास। तो हाँ, इमाम आजम बड़े ताजिर थे अपने जमाने के, उन्होंने क्या किया उस कारी साहब को 4 लाख दिरहम नजराने में भेजा। सुभान अल्लाह, कितना, 4 लाख दिरहम चांदी के सिक्के होते थे। इमाम आजम अबू हनीफा ने जैसे ही कारी साहब के पास जो कुरान पढ़ाए थे ये नजराना भेजा, उनके पास ये नजराना पहुंचा, 4 लाख तो छोड़ो आज के जमाने 4,000 भी किसी को देता नहीं। हाफिज कुरान अगर किसी बच्चे को पढ़ाया है, और मैं मांग भी नहीं रहा हूं कौम से, इमाम आजम की बात बता रहा हूं, जब नजराना कारी साहब को पहुंचा उन्होंने देखा 4 लाख दिरहम मेरे पास आए, इतनी बड़ी रकम, बच्चे को खाली कुरान ही पढ़ाया था।
दौड़े दौड़े वापस इमाम आजम अबू हनीफा के दौलत कदे पर आ गए, घर पर आए। कहा हुजूर आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गलती से तो ये रकम मेरे पास नहीं आ गई, ये किस लिए दी गई है? कहा कि ये तो आपने कुरान बच्चे को पढ़ाया, मैंने हदीयतन भेजा है। कहा हुजूर सिर्फ नाजरा कुरान ही तो पढ़ाया, इतनी बड़ी रकम? इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कारी साहब आज चले जाओ, और अपने बेटे को बुलाया, इधर आ बेटा, कल से इस हाफिज के पास पढ़ने के लिए तू हरगिज नहीं जाएगा, कल से इसके पास तू इल्म हासिल करने नहीं जाएगा। बच्चे ने पूछा हुजूर क्या हो गया? कहा जो बंदा मेरे 4 लाख दिरहम को कुरान से बड़ा समझता है, मैं उसके पास अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता। वाह 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 वाह, मैंने तो कुरान का एक हर्फ की कीमत नहीं अदा की, उसने कुरान के ऊपर मेरी रकम को समझ लिया। आज हमने कुरान को कहां समझ लिया है? वो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं जो कुरान से ज्यादा माल को अहमियत देता है उसके पास बच्चों को पढ़ाओ भी मत, ना पढ़ाओ। अजीजा ने ग्रामी वकार, हमारा ये दोहरा सलूक, हमारा ये दोहरा मेयार कुरान के साथ जो हमारी नाइंसाफी है, हमें अखलाकी पस्ती में लाकर खड़ा कर चुकी है, अखलाकी पस्ती में लाकर खड़ा कर चुकी है। अरे हम देख रहे हैं आयरा गैरा नत्तू खेरा हमें सिखाने आ रहा है, बढ़ाने आ रहा है कि तुम्हें डेवलपमेंट के बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं कि तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होती है। अलीगढ़ वाले तो नौजवान बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जानते होंगे, बीए कर लिया, एमए कर लिया, बीकॉम कर लिया, या कुछ भी कर लिया, डिग्री हासिल कर लिया, बड़ी बड़ी कंपनियां आज पूछती हैं कि इसके पास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या नहीं। ये क्या है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? कुछ बड़े बड़े शहरों के नौजवान हमारे पास आए थे, कहा हम कोर्स कर रहे हैं। कहा मैंने पूछा इसमें होता क्या है? कहा इसमें सिखाया जाता है बैठना कैसा है, लोगों से मिलना कैसे है, खाने के लिए बैठे तो चम्मच कहाँ रखना है, बर्तन कहाँ रखना है, लोगों से हैंडशेक कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। मैं नौजवानों से पूछा कि अच्छा कितने महीने का? कहीं 6 महीने का, कहीं साल भर का। कहा अफसोस है उस कौम पर जिसका रसूल आया था ये कहते हुए मैं सबसे बुलंद अखलाक सिखाने के लिए दुनिया में आया हूँ। उस रसूल की उम्मत आज ऐसे लोगों के पास अखलाक सीखने जा रही है जिसको हलाल और हराम की तमीज नहीं, जिसको खड़े होकर पेशाब करने में फखर लगता हो उसके पास तो ये अखलाक सीखने जा रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखने जा रहे हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कुरानी अखलाक क्या हैं। मौला करीम ने अपने हबीब को जो बयान किया है सूरह लुकमान उठाओ, बाप अपने बेटे को नसीहत क्या क्या करता है, अगर 3 आयतें भी पढ़ लो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। लुकमान हकीम अपने बेटे से कहते हैं या बुनैया अकीमिस सला वामुर बिल मारूफ वनह अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक, ऐ बेटा नमाज पढ़ा कर, बुराइयों से बचा कर, अच्छाइयों की बात कर, जो मुसीबत आए उस पर सबर कर। ये सिर्फ जुमले नहीं है, ये जुमले नहीं है। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो डराया था, कुरान कहता है या बुनैया इन्नहा इन तकु मिसकाल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समाई औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह। आज हर बाप को चाहिए कि ये नसीहत अपने बेटे को करे। क्या बात, हर बाप अपने बच्चे को ये बात बताए सुनो क्या। लुकमान कहते हैं बेटा बुराई अगर तूने कर लिया, ये मत समझना कि मैं रात के अंधेरे में छुप कर लिया। आज तुम्हारे हाथ में मोबाइल गुनाहों का अड्डा बन करके आया है, सिर्फ एक टच स्क्रीन पर सारी दुनिया तुम्हारे सामने नंगी नाचती हुई नजर आती है। कितने नौजवानों ने अपने अखलाक का कत्ल कर लिया है, उनकी आंखें हया से नापाक हो गई हैं। कितने लोगों ने अपना नूर ईमान बेच दिया मोबाइल की स्क्रीन पर चलने वाली इन बेहया तस्वीरों पर, कितने तो फरेफ्ता हो गए, कितने जवानी बर्बाद कर चुके। तुम क्या समझते हो मेरे अजीजों? एक जवान ने मुझे बताया था रात के वक्त मैं तन्हा मोबाइल लेकर बैठा था, अचानक पर्दा हिला तो डर लगा, जल्दी से स्क्रीन ऑफ किया बैठा, मुझे लगा माँ आई होगी, बाप आया हो, कोई आया होगा, लेकिन कोई नहीं, पर्दा हिला, एक बिल्ली आई थी, इससे भी डर लग गया। मैंने कहा पर्दे के हिलने से इतना डर है कि कोई आ जाए, तेरा ईमान कहाँ गया? वो मौला कहता है या अलमुखाइनतल आयुनी वमा तुख्फिस सुदूर,
वो रब तुम्हारे दिलों में गुजरने वाले हालात को भी देख रहा है, बेशक तुम्हारी आंखों की खयानत को भी वो देख रहा है। जब तुम्हारा यकीन ही खत्म हो गया तो क्या करोगे? इसीलिए अरबी का मशहूर मकौला है, इदा लम तस्तही फफअल मा शिता वस्ना मा शिता, जब तुम्हारे अंदर से हया निकल जाए तो जो चाहे करो, जो चाहे कर लो। आज लुकमान हकीम की वो बात मैं पेश कर रहा था, आयत मुकम्मल करता हूँ। बाप अपने बेटे से कहता है, अगर बुराई कर लिया तूने, अगर बेहयाई हो गई, ये मत समझ के बहुत छुप करके किया। आज से 4000 साल पहले लुकमान हकीम कह रहे हैं अपने बेटे से, अगर बुराई तो आसमानों में जाकर करेगा या पहाड़ के अंदर घुस कर करे या जमीन के अंदर जाकर करे, कहीं पर भी कर ले। जबकि ये तीनों चीजें उनके जमाने में नहीं थी, न पहाड़ों के अंदर जाकर के करने का तसव्वुर, न जमीनों के अंदर जाने का, न आसमानों में उड़ने का तसव्वुर। ये सब आज के दौर में मुमकिन है। और लुकमान हकीम कहते हैं, अगर तू इन सब जगहों पर जाकर कहीं पर भी करेगा, याति बिल्लाह, अल्लाह वो तेरे सामने लेके आएगा। तुम अगर राई के दाने के बराबर भी नेकी करो, अल्लाह वो तुम्हें दिखाएगा। राई के दाने के बराबर भी बुराई करो, अल्लाह तुम्हें दिखाएगा। अखलाक सीखने के लिए दूसरी जगह जाते हो, अगर ये फार्मूला किसी को याद हो जाए, मैं कहता हूँ सारे CCTV कैमरे बंद हो जाए। इस बंदे को कोई बहका नहीं सकता जिसके दिल में सिर्फ इतना ख्याल है कि मेरा मौला मुझे देख रहा है, बेशक बेशक मेरा रब मुझे देख रहा है। उसकी निगरानी के लिए किसी कैमरे की जरूरत नहीं, किसी CCTV की जरूरत नहीं। अजीजा निगरा में वकार बच्चों के दिलों में, अखलाक बाद में आएंगे। अल्लाह का खौफ उनके दिल में डालो, अल्लाह देख रहा है। एक दिन तुम्हें हाजिर होना है, सब लाया जाएगा, सब लाया जाएगा, जो कुछ किया था, जो कुछ कहा था, सब लाया जाएगा। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को अखलाक सिखाया, क्या सिखाया? वक्सिद फी मशीका वगदुद मिन सौतिका इन अनकर अल अस्वात ला सौत अल हमीद, चलना हो तो मियाना अंदाज में चलो, ऐसे नहीं कि अकड़ कर चलना है या झुक कर चलना है, एताल के साथ चलो और आवाज को नरम रखा करो। बेशक कुरान कहता है सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। लोग आज चिल्लाते हैं एक दूसरे को, ठट्टे मारते रहते हैं, ये महफिलों के आदाब भी नहीं, ना ही तुम्हारे अखलाक हैं। इसीलिए शेख सादी ने फरमाया है, ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनरश न हुफ्ता बाशद, जब तक आदमी बात नहीं करता उसकी अच्छाइयां भी मालूम नहीं होती, उसकी बुराइयां भी नहीं मालूम होती। बेशक जब बात करता है तो पता चल जाता है इसके अखलाक कैसे, बात करता है तो समझ में आ जाता है कौन सी कैटेगरी का है। इसलिए अपनी जुबान को ऐसी रखो कि दुनिया तुम्हें आला नस्ल का समझ सके। बात करो तो तमीज के साथ, चीख पुकार करना, एक दूसरे को भुलका इस तरह से बात करना नौजवानों में आज आम हो गया है। कुरान कहता है अपनी आवाजों को पस्त करो। एक और बात रब फरमाता है, वला तुसअर खद्दक लिलनास, लोगों को से मुंह मोड़ करके बात मत करना। सामने तुम्हारे कोई खड़ा है और तुम इधर घूम करके बात कर रहे हो, ये आज फैशन हो गया है पीछे पलट करके बात करना, इधर देख करके उसको बात करना। लोग ये समझते हैं फैशन है। मेरा मौला फरमा रहा है ये अखलाक से गिरी हुई हालत है। जब बात करो तो आमने सामने, लोगों से मुंह टेढ़ा करके बात ना करना, ये अखलाक कौन सिखा रहा है? ये कुरान अजीम है। तुम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखने की बात कर रहे हो, तालीमात इस्लाम को छोड़कर क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हासिल कर पाओ? तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन सीखना नहीं चाहते। आज तक नौजवानों में से मुझे कोई मिला नहीं इस तरह से कि लोग आते हैं, मुफ्ती साहब बीवी को दो तलाक दे दिया, तीन तलाक दे दिया, अब क्या करना है, इद्दत कैसे गुजारना है? या ज्यादा से ज्यादा दारुल इफ्ता में आते हैं, मुफ्तियाने कराम होंगे, झगड़े के मसाइल लेकर के आते हैं, बाप मर गए, इसको कितना मिलना है, इसको कितना मिलना है। अरे जिंदगी गुजर गई, कभी आ करके ये क्यों नहीं पूछा मेरे घर में मंगनी हो रही है, शादी हो रही है, ये बताएं मेरे मुस्तफा ने कैसे शादी की? क्या बात है, क्या बात, ये क्यों नहीं पूछा?
मैं बीमार हो गया हूं, मुझे बताएं रसूलुल्लाह ने बीमारी के आलम में क्या कहने का हुक्म दिया। अगर तलब हो मेरे नबी के पीछे चलने की तो बंदा ढूंढ ढूंढ कर चलेगा, बेशक ढूंढ ढूंढ कर चलेगा। बेशक हजरत इमाम अबू यूसुफ के बारे में और बाद में इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में कहा कि आपने कलिंगर खाने का बहुत शौक था, तरबूज, आप तरबूज कहते हैं, हाँ हमारे यहाँ मुंबई में इसको कलिंगर कहते, और उन्होंने ये कहा कि ये सुन्नत भी है, मुझे रिवायत मिली है कि हुजूर ने भी खाया लेकिन जिंदगी भर खाए नहीं। मुरीदीन ने पूछा कि हुजूर जब सुन्नत भी है और आपको शौक भी है, खाते क्यों नहीं? कहते हैं अब तक मैं वो तरीका ढूंढ रहा हूं कि मेरे नबी ने कितने टुकड़े करके खाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह, मुझे वो जो तरीका चाहिए। हुजूर के पीछे चलने वाला ढूंढ ढूंढ करके अमल करता है, और आज हमने जिंदगियां ऐसी बनाई हुई हैं कि लगता है दारुल इफ्ता, मुफ्ती और उलमा सिर्फ तलाक के लिए हैं, ये इद्दत के मसले पूछने के लिए, विरासत के मसले पूछने के लिए। अरे हमें भी काम दो, हम ढूंढ ढूंढ कर तुम्हें बताएं मेरे नबी चलते कैसे थे, मेरे नबी बात कैसे करते थे, लोगों से मुसाफा कैसे करते थे, लोगों के सामने आते तो कपड़े कैसे पहनते थे, मेरे नबी की नमाजें कैसी थी, हुजूर जब दस्तरखान पर बैठते कहां से शुरू करते कहां से खत्म करते, इस काम पर भी तो उलमा को लगाया करते ताकि तुम्हें पता चलता मुझे कहीं और से अखलाक सीखने की जरूरत नहीं, दुनिया के सारे अखलाक मेरे नबी के कदमों में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैदाने खानकाए बरकात, फैदाने खानकाए बरकात, शेरे रजा, शेरे रजा, फैदाने शेखुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दर्से कुरान को अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना ना दिखाया होता। इको बंद कर दो, इको। कुरान पाक के सिलसिले में मुझे बयान करने का हुक्म दिया गया, बस मैं वही बातें कर रहा हूँ। मैं आपको अपने मौजू से जो मुतालिक है वो बातें अर्ज करता हूँ। कुरान क्या तमीज सिखाता है? आज घर घर के अंदर जो एक बहुत बड़ी बला आई हुई है, हर तीसरा चौथा घर ये शिकायत लेकर के आता है, बेटा हाथ से निकल गया, बेटी हाथ से निकल गई, माँ बाप इस बात के लिए रोज परेशान है, बेटा हाथ में नहीं आता, बेटी हाथ में नहीं आती। जहां ये जवान हुए, दसवीं पास किया, ये मुंह दिखाते हैं हमको, आंख फिराते हैं हमको, फरमा बरदार बच्चों की कमी बहुत कम हो गई। गलती इन बच्चों की नहीं, उन माँ बाप की भी है। तुमने इनकी तरबियत तो खिलौनों से की है, इनकी तरबियत में तो तुम चाहते थे कि हर संडे इनको पिकनिक पर ले जाएं, बच्चा खुश हो जाएगा, इनको घुमाएंगे फिराएंगे, जो बच्चा मांगेगा सब लाकर देंगे। अरे ये 14 साल का नहीं हुआ, हाथ में मोबाइल भी पकड़ा दिया, सब कुछ कर दिया बच्चे के लिए, और अब बाप ये सोचता है ये 16 साल का हो जाए तो मेरी बात मानना चाहिए। एक बात याद रखो, जमीन में अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद मत रखना, बेशक बेशक, जो बोते हो वही फसल आती है। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लिमु औलादकुम सलासा खिसालिन, हुब्ब नबीकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावत अल कुरान अल करी। मेरे आका की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं अपनी औलाद को सबसे पहले तीन बातें सिखाओ, तीन बातें सिखाओ, क्या है? नंबर वन, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। बेशक सुभान अल्लाह, क्या होगा इससे? तुम जिस बात के लिए आज परेशान हो ना, 16 साल के बाद मेरा बच्चा मेरा फरमा बरदार बने, याद रखो तुम अगर इस बच्चे को नबी की मोहब्बत डालो, 16 साल नहीं, तुम्हारा बेटा 60 साल का होगा तब भी सर झुकाकर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। क्या बात, बेशक बेशक, तुम उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत डालो, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में डाले, बेशक बेशक। ये रिटर्न दिया जाता है, नंबर वन अपने नबी की मोहब्बत, नंबर टू रसूल पाक के अहले बैत की मोहब्बत, मेरे आका फरमाते हैं बच्चों को सिखाओ, तीसरी चीज कुरान की तिलावत। ये तीन चीजें सिखाओ सबसे पहले बच्चों को, लेकिन इन तीन चीजों से तो हम बच्चों को छोड़ ही चुके। सबसे पहली चीज जो सिखानी थी वो अपने नबी की मोहब्बत।
अजीजा ने गिरामी वखार, आज घर घर के अंदर ये जो मुसीबतें आई हैं, माँ बाप की नहीं सुनता। माँ बाप अगर जवान लोग अभी शादी कर रहे हैं तो अभी से तय कर लो, बच्चा होगा ये ख्वाब नहीं देखेंगे पहले, इसको क्या बनाना है। तुम अगर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डालने की ख्वाब लेकर उस बच्चे की तरबियत करो, इंशाल्लाह वो डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, लेकिन साथ में आशिक रसूल भी बने। सुभान अल्लाह, सुभान। और जहां ये दौलत लेकर के खड़ा होगा, इश्के रसूल की दौलत लेकर खड़ा होगा, और प्रोफेसर भी हो जाए, डॉक्टर भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, देखो मशाइखे मारहरा जिनके वालिदैन ने उनकी तरबियत की, उनको दुनियावी उलूम का माहिर तो बनाया है, क्या लेकिन आज तक आपने देखा कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर लाखों मुरीदीन की दस्तगीरी भी कर रहा हो और उनकी शरीयत और तरीकत को बयान भी कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैदाने हसनुल उलमा, फैदाने हसनुल उलमा, तालीमात इस्लाम कॉन्फ्रेंस के लिए, वाह वाह वाह, तालीमात इस्लाम के लिए ये घराना आइडियल है। मैं मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूं, मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूं, जहां पर एक बेटे को बाप ने वक्त का एक बड़ा प्रोफेसर बनाया तुम्हारे इसी शहर का, दूसरा बेटा अगर इनकम टैक्स का चीफ बन चुका हो, क्या बात, तीसरा अगर पुलिस की डिपार्टमेंट में डीआईजी या बड़े ओहदे पर पहुंचा हो, लेकिन हमने हर एक को देखा, चाहे ये दुनिया के किसी मकाम पर जाए, जब ये अपने असलाफ की बारगाह में आते हैं तो सर झुकाए हुए शरीयत के तरीकत के संगम नजर आते, क्या बात, बेशक बेशक, इसलिए कि इनकी तरबियत सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन के बहाने नहीं छोड़ दी गई थी, क्या कहें, लोगों की गोद में डालकर, जैसे आज लोगों को लगता है बच्चे को पढ़ाने के लिए महंगी स्कूल दे दो, अच्छी से अच्छी स्कूल, और बच्चा आए तो शाम में ट्यूशन के लिए किसी टीचर या प्रोफेसर को दे दो, बच्चा तुम्हारी गोद में आया ही नहीं। संडे संडे तो बाप से बच्चे की मुलाकात होती है और वो भी पिकनिक के नाम पे होती है, क्या कहने? ये हालात जब बच्चों के साथ तरबियत के होंगे तो ये बच्चे जिनसे तरबियत हासिल किए हैं उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, लेकिन तुम अगर शरीयत का ट्रांसफर चाहते हो, स्कूल भी पढ़ाओ ट्यूशन भी पढ़ाओ, लेकिन इश्के रसूल की दौलत अपने सीने से इनके सीने में डालो। बिल्कुल बेशक बेशक। अजीजा ने गिरामी, मेरा मौला फरमाता है وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म मेरा मौला फरमाता है, रब ने तुम्हारे फैसला किया है अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो, और कैसा सुलूक, वला तकुल लहुमा उफ्फ वला तनहरहुमा, उनको उफ तक ना कहो, उनको झिड़क कर बात ना करो। नौजवानों याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी माँ या अपने बाप को उल्टा जवाब देना शुरू किया, उस दिन से तुम पर रिस्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बरकत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और ये तो बड़ी बात है, हजरत मौलाना रोम फरमाते हैं, माँ या बाप बच्चे को बात करने में जिस दिन डरने लग जाए, पता नहीं मेरा बेटा क्या समझेगा बोलूं, जिस दिन वो तुमसे बात करने में डरने लग जाए, समझ लो दुनिया का सबसे बुरा दिन तुम्हारा शुरू हो चुका है, अल्लाहू अकबर, शुरू हो चुका है। होना तो ये चाहिए कि तुम्हारी जवानी नहीं, तुम्हारी उम्र बीतने को आ गई, अगर माँ बाप को अल्लाह ने सलामत रखा, चाहे वो बूढ़े बिस्तर मर्ज पर हो, उस वक्त भी अदब के बाजू फैलाए हुए हो, अदब के बाजू। आपको पता है सहाबा इकराम बैठे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून आई, रसूल खड़े हो गए, अपनी चादर बिछाया, उस खातून को बिठाया, सहाबा कहते हैं हमने एक खातून को, आई हुई खातून को इतना अदब करते हुए रसूलुल्लाह को पहली बार देख रहे थे, वो खातून आई बैठी मुस्कुराई बातें की और चली गई। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह इस खातून का अदब क्या है, मेरे आका फरमाते हैं ये मेरी दाई, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया, क्या बात, पैदा हुए नहीं दूध पिलाई हुई माँ का यह अदब मेरे नबी ने सिखाया, ये अखलाक कुरान के हैं मेरे अजीजों, कुरान के हैं। याद रखो नौजवानों, इन बूढ़े माँ बाप को आज जितने लोगों ने तरसाया है और उन्हें घुट घुट कर जीने पर मजबूर किया है, वो आज की रात तौबा करके जाएं, तौबा करके जाएं, मुसाफा करें, उनके हाथ चूमें, ये तुमसे क्या तमन्ना रखते हैं, बस इतनी कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ढंग का कमाना सीख जाओ। नौजवान को इनका डांटना बुरा लगने लगता है, माँ बार बार चिल्लाती है,
बाप बार बार डांटता है, घर छोड़कर भाग गया। फिर उसके बाद याद रखो, अल्लाह ताला ऐसे जूतों पर तुम्हें डाल देता है जो तुम्हारी हैसियत के भी नहीं होते, कमतर लोग तुम्हें हांकते रहते हैं। इससे बेहतर है हमें पैदा की हुई माँ, हमें दूध पिलाई हुई माँ अगर डांटती है, कोसती है, मारती है, ये नेमत है। एक नौजवान के बारे में मैं अक्सर कहा करता, हमारे साउथ का था, बड़ा बिगड़ा हुआ, माँ मेरे पास आई थी, कह रही थी इसको समझा ले, मैं बेवा हूं, मैं बेवा हूं, इसका बाप बचपन में मर गया, ये बच्चा 2 साल का था, मेरा शोहर मर गया, मैं घरों की पतेलियां मांझ मांझ करके इस बच्चे को बड़ा की हूं, लेकिन आज ये अवबाश बन गया है, बदमाशों की दोस्ती। मैंने उस नौजवान को बुलाया था, अपने करीब किया, समझाया, अल्लाह ने उसको समझ दे दी। वो लड़का थोड़ा बहुत सीधे रास्ते पर आया और बेंगलुरु गया था कमाने के लिए। मैंने कहा नौकरी कर, तेरी माँ कुछ नहीं चाहती, वो जिंदगी तो गुजार चुकी, अपने हाथों से कमाई है, बस ये चाहती है कि तेरी कमाई का एक लुकमा खा ले। ए नौजवान, क्या अपनी माँ को इतना भी सुख नहीं देना चाहता? गया था कमाने के लिए। मेरे अजीजो, आज भी वो मौजूद है, आज भी है, वो कमाया, महीना भर गुजरा था या 2 महीने, अपनी तनख्वाह लेकर के वतन वापस आया, अपने घर के पास जिस दिन वो पहुंचा था, घर के बाहर बहुत भीड़ जमी थी, लोगों से पूछा उसने तो पता चला उसकी माँ आज ही सुबह इंतकाल की। अल्लाह अकबर। वो पैसों की गड्डी ला करके जो कमाया था 1 महीने 2 महीने की तनख्वाह माँ के कदमों में रख दिया, बहुत रोया। ये बात मैं तकरीरों में इसलिए कहता हूँ, उसने कई बार कहा मुफ्ती साहब नौजवानों को सिर्फ इतनी बात कहें, मैं इस अजाब में रोज मरता हूँ, मेरी माँ जिंदगी भर लोगों के झूठे मांझ करके मुझे खिलाती रही और मैं एक लुकमा मेरी माँ को खिला ना सका, जिस दिन मैं लाया था पैसे ये तो दुनिया से चल पड़ी, मुझे आज रोज इस बात का गम सताता है। आप नौजवानों से खिताब करते हैं, कम से कम इनसे कह दें कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, होश में आ जाओ, अपने हाथों से उनको खिला तो सको, उनके हाथ पकड़ कर चला तो सको, इसलिए कि दुनिया की अजीम नियामत है, जिसका बाप जिंदा है, जिसकी माँ जिंदा है, उसके हक में वो दुआ कर ले। मेरे आका फरमाते हैं नबियों की दुआ उम्मत के बराबर जो होती है वो बाप की दुआ बेटे के बराबर होती है। आज मैं गुफ्तगू समेटता हूँ, खत्म कर देता हूँ, इसलिए कि अखलाक इस्लाम बहुत वसी मौजू है, बहुत वसी मौजू है, लेकिन आपके लिए सिर्फ इतनी बात काफी है कि कुरान को छोड़ करके अगर दूसरी जगह सीखने जाओगे तो मारे मारे फिरोगे। आज वापस आ जाओ उसी कुरान पर जिसको मेरे आका ने हमारे उरूज का जरिया बनाया है, हमारी तरक्की का रास्ता बनाया है। जानते हो जब दुनिया के पास पार्लियामेंट नहीं थी, चलाने के लिए उसूल नहीं थे, पूरी दुनिया को कुरान ने उसूल बताए हैं, कानून बताए हैं। इस एक कुरान से फिकह हनफी मिला, फिकह शाफई मिला, फिकह हम्बली मिला, फिकह मालिकी मिला, ये तो 4 मैंने नमूने बताए, 1-2 नहीं 18 फिकह की तदवीना पूरी दुनिया में मौजूद है। इस कुरान पर लिखी जाने वाली तफसीरों की तादाद पूरी दुनिया की किताबों से सबसे ज्यादा है, 700 तफसीरों के नाम मेरे पास मौजूद है, हर तरह से अलग अलग तफसीर की गई है, दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में इसके तर्जुमे किए गए। वो एक कुरान ऐसा है जो आज भी बबांगे दहल पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है, अगर तुम अल्लाह की बात को झूठा मानते हो कुरान की तरह एक आयत ला करके बता दो, एक सूरत ला करके बना दो। आज दुनिया तरक्की बहुत कर चुकी होगी, टेक्नोलॉजी पर ये पाबंदे सलासिल कर चुकी और चांद पर कमंदे डाल चुकी, सूरज की शुआओं को कैद करके करंट बना दिया हो, सयाल मादे से दुनिया ने केमिकल बना दिया, सब बना दिया, लेकिन एक बात तय है, पूरे इंसान मिल जाएं, पूरे जिन्नात मिल जाएं, मेरा मौला फरमाता फिर भी वो कुरान के मिसल नहीं ला सकते। बेशक बेशक, कुरान के मिसल नहीं ला सकते। ये मौजजा तुम्हारे पास है, ये मौजजा तुम्हारे पास है, दुनिया के पास ये दौलत नहीं। उठो वो गर ना हशर ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना छाल अपनी चल गया। मेरे अजीजों आखिरी बात,
ये सारे उलूम तो कुरान में हैं, अखलाक भी कुरान में हैं, तिजारत के उसूल भी हैं, शादीशुदा जिंदगी के उसूल भी हैं, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक भी हैं, बच्चों की तरबियत भी है, पड़ोसियों से मामलात भी हैं, उस्ताद और शागिर्द के हुकूक भी बयान किए गए हैं। ये सारे फील्ड अपनी जगह पर, लेकिन कुरान का जो गाजा है, कुरान की जो रूह है, कुरान का जो खालिस शहद है, वो क्या है? कुरान पढ़ने वाले को सबसे बड़ी दौलत अगर कोई मिलती है तो अपने नबी से बे इंतहा इश्क करने की दौलत मिलती है। आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। जुनेद बगदादी के जमाने में एक आर्टिस्ट आया था, एक मुसव्विर, लोगों की मुंह बोली तस्वीर खींचता था। अगर कोई आता अपनी महबूबा के बारे में कहता, उसकी आंखें ऐसी, उसकी नाक ऐसी, उसकी भवें ऐसी, उसकी पेशानियां ऐसी, वो उसी तरह से तस्वीर निकालता था, आर्टिस्ट था। और लोगों की कतारें लगी थी अपने अपने महबूब महबूबाओं की तस्वीरें निकालने के लिए, इसलिए कि आपकी तरह मोबाइल उस जमाने में नहीं थे जो हर घड़ी खींच लिया करें। वो जुनेद बगदादी का दौर, आर्टिस्ट तस्वीर निकालता था। जब ये बात पता चली, हजरत जुनेद बगदादी भी उस मुसव्विर के घर चले गए, लाइन में खड़े हो गए। जब आपका नंबर आया तो उस मुसव्विर ने पूछा, मौलाना आपका क्या काम है? वक्त के सैयदुत ताइफा, कहा मैंने सुना है तू लोगों के महबूबाओं की तस्वीरें खूबहू खींच कर देता है, मैं चाहता हूं मेरे भी महबूब की तस्वीर खींचो। तो उसने कहा बताओ। कलम लिया, बैठा, बताइए आपके महबूब का हुलिया क्या है? जुनेद बगदादी कहने लगे, मेरा महबूब कायनात का सबसे हसीन चेहरा रखने वाला, जिसकी भवें ऐसी थी, जिसके गाल ऐसे थे, जिसकी पेशानी ऐसी थी, जिसके हाथ ऐसे, जिसके पैर ऐसे। उस मुसव्विर ने पूछा, बताओ नाम क्या है? जुनेद बगदादी ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। उस मुसव्विर ने कहा, रुको जरा, ये तस्वीर तो ऑलरेडी मेरे पास बनी बनाई रखी है। जुनेद बगदादी ने कहा, ये कैसे? लोगों की ऑर्डर पर तो तस्वीर बनाता है, मेरे महबूब की तस्वीर पहले से कैसे रखी है? उस मुसव्विर ने कहा, बात दरअसल ये है, आप जिससे मोहब्बत करते हैं, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं, हम दोनों का महबूब एक है, इसलिए तस्वीर पहले से बनी रखी है। जुनेद बगदादी ने कहा, अच्छा लाओ तो जरा हमारे महबूब की तस्वीर देख तो ले। वो मुसव्विर अंदर गया और कुरान पाक ला करके जुनेद बगदादी के सामने रखा और कहा, ऐ जुनेद, क्या ये मेरे नबी की तस्वीर नहीं है? आंखें देखना हो तो पढ़ो, मा ज़ागल बसर हुआ मा तगा, चेहरा देखना हो तो पढ़ो, वा दुहा वल लैल इज़ा सजा, हाथ देखना हो तो पढ़ो, वा मा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, अगर कदम देखना हो तो पढ़ो, ला उक्सिमु बिहादल बलद वा अंत हिल्लुम बिहादल बलद, अगर सीना देखना हो तो पढ़ो, अलम नशरह लक सदर व वज़अना अनक विज़्र, अगर इस नबी की गुफ्तार देखना हो पढ़ो, वा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, इस महबूब की अताएं देखना हो तो पढ़ो, इन्ना आतैना कल कौसर। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैदाने कुरान मुकद्दस, फैदाने कुरान मुकद्दस, फैदाने खानकाए मारा। आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये तालीमात इस्लाम कॉन्फ्रेंस है, कुरान की तालीमात से ये बात मुझे कहना जरूरी था। कुरान सिर्फ अखलाक की तालीम नहीं, सिर्फ मुआशियात की तालीम नहीं, बल्कि कुरान इश्क रसूल की तालीम देता है और हुब्बे रसूल सिखाता है। इसलिए हम उसी हुब्बे रसूल के साथ इस जलसे का इख्तिताम करते हैं। उस कुरान की तालीम ऐरे गैरे से भी नहीं हासिल करना, बुझे हुए दिल से भी नहीं लेना, अंधे लोगों से भी मत पढ़ना जो कुरान तो पढ़ा देंगे कुल हु अल्लाहु अहद, लेकिन बाद में ये नहीं बताएंगे किस पर उतरा था। कुरान अगर पढ़ना है तो कंजुल ईमान से पढ़ा करो। जहां बरेली का इमाम ये भी बताएगा, कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को ये नहीं कहेगा मेरा नबी मेरे जैसा था या उसका इल्म ऐसा था वैसा था, बल्कि बरेली का इमाम बताएगा, कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को यूं कहेगा, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सहबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं।